नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डेविल सावर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पांच ऐसे मूवी के बारे में बताऊंगा जो आपको देखने में बेहद ही पसंद आएगी और आप बोलेंगे कि आपने इस मूवी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी और मूवीज लेकर आते रहूंगा और बढ़िया से बढ़िया मूवीज लेकर आऊंगा ताकि आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आए और आप इसका आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से आपको इस मूवी के बारे में बताते हैं। सो फ्रेंड, इस मूवी का नाम है बीच हाउस। कहानी की शुरुआत होती है दो कॉलेज स्टूडेंट से जो कि एक बीच हाउस पर घूमने जाते हैं, और वो कॉलेज कपल जिस बीच हाउस पर घूमने जा रहे हैं उस जगह उनका सामना एक अजीबो गरीब इन्फेक्शन से होता है। दोस्तों, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो इस मूवी को देखने के बाद आपका मांस मछली जो खाना है वो यकीनन छूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में काफी थोड़ा घिनौना टाइप का सीन बताया हुआ है। फ्रेंड्स, मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और आईएमडी ने इस मूवी को 10 में से 5.4 की रेटिंग दी हुई है। और दोस्तों, सेकंड नंबर पर आती है टेलन फॉल्स। दोस्तों, अगर आपने रॉन्ग टर्न मूवी देखी है और रॉन्ग टर्न मूवी अगर आपको पसंद आई होगी तो ये मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी, क्योंकि रॉन्ग टर्न से भी ये मूवी काफी अच्छी है। दोस्तों, मूवी की स्टोरी शुरू होती है चार दोस्तों से जो कि जंगल में घूमने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जंगल में जाने के बाद वो एक हैवान के हाथों में फंस जाते हैं और उस हैवान के हाथों से अपने आप को उस जंगल से कैसे सर्वाइव कर पाते हैं या सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, यही दिखाया गया है इस कंप्लीट मूवी में। दोस्तों, मूवी रिलीज की गई थी 2017 में और आईएमडी ने इस मूवी को 10 में से 4.4 की रेटिंग दी हुई है। तो दोस्तों, इस मूवी को भी आप एक बार जरूर देखेगा, ये मूवी भी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मूवी की तरफ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ट्रू फिक्शन। दोस्तों, इस दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की उनकी सोच होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट भी होते हैं जो अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी तरह दोस्तों, कई ऐसे साइंटिस्ट भी होते हैं जो अलग अलग तरीकों पर अपना रिसर्च भी करते हैं, और कई साइंटिस्ट ऐसे भी होते हैं जो आदमियों पर रिसर्च करते हैं और उनको काफी ज्यादा मजा आता है। तो दोस्तों, ये मूवी भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में बनी हुई है, और इसमें जो साइंटिस्ट होता है वो बिल्कुल ही पागल होता है और अपने ही वर्कर्स पर एक से एक एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हें टॉर्चर भी करता है। तो फ्रेंड्स, इस पागल साइंटिस्ट वाले मूवी को भी आप एक बार जरूर देखिएगा, ये मूवी भी आपको बेहद ही पसंद आएगी। और दोस्तों, यह मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और आईएमडी ने इस मूवी को 10 में से 4.8 की रेटिंग दी हुई है। सो फ्रेंड, इस मूवी को भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मूवी लेकर आता रहूं और आपको ऐसी मूवी के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूं। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है यम्मी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से। उस हॉस्पिटल के पेशेंट यानी मरीज अचानक से एक मॉन्स्टर में बदलना शुरू हो जाते हैं, और उस हॉस्पिटल के पेशेंट यानी मरीज अचानक से मॉन्स्टर में तब्दील क्यों होते हैं, इसी मिस्ट्री को इस मूवी में सॉल्व करके दिखाया गया है, और उनके मॉन्स्टर बदलने के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है इसी को इस कंप्लीट मूवी में बताने की कोशिश की गई है। दोस्तों, मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और आईएमडी ने इस मूवी को 10 में से 6.0 की रेटिंग दी हुई है। और दोस्तों, पांचवें नंबर पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फन हाउस। फ्रेंड्स, मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप सोचिए कि आप एक ऐसा गेम खेल रहे हो जो कि पूरी तरह से नॉर्मल हो, लेकिन सडनली अचानक से आपको पता चलता है कि वो गेम आपके लाइफ से रिलेटेड है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आपने कोई टास्क कंप्लीट नहीं की है तो अचानक से आपकी मौत हो जाती है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये मूवी जो है बनी हुई है। फ्रेंड्स, मूवी को रिलीज की गई थी 2019 में और आईएमडी ने इस मूवी को 10 में से 6.2 की रेटिंग दी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी और बढ़िया सी मूवी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।